शुक्रवार को मनपा के मुख्यालय में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू की घोषणा की। इस घोषणा के बाद आरोग्य सभापति विक्की कुकरेजा ने जनता से अपील की है कि उन्होंने इस जनता कर्फ्यू को सहयोग देना चाहिए, साथ ही कोविड के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नमस्कार, आज 24 जुलाई नागपुर शहर में सम्माननीय महापौर संदीप जोशी जी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक ली, जिसके अंदर में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले कल और परसों दो दिवस नागपुर शहर में जनता कर्फ्यू लगाया जाए। जनता कर्फ्यू का अर्थ ये होता है कि जनता द्वारा जनता के सहयोग से और जनता के फायदे के लिए जनता कर्फ्यू लगाना। कोरोना यह अत्यंत भीषण महामारी है और अपन सबके सामने में पिछले कुछ दिनों से रेगुलर पेशेंट बढ़ने की बात नागपुर शहर में अधिकांश बस्तियों में देखने को मिलती है। ऐसी कोई बस्ती छूटी नहीं जहां पर कोरोना के पेशेंट्स नहीं हैं। मैं इस जनता कर्फ्यू के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस जनता कर्फ्यू को भरपूर सहयोग आप दीजिए और ब्रेक द चेन की श्रृंखला जो माननीय मोदी जी ने शुरुआत की थी, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। दो दिन में कोरोना समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन नागपुर के जिस स्पीड से पेशेंट्स बढ़ने की संख्या है, उसे रोकने में कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी। इसके साथ साथ नागपुर की जनता ने फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना कंपलसरी है। हर थोड़ी देर के बाद में हाथों को सैनिटाइज करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीवन जीने के नए नियम, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस से बात करना, यह सभी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। जनता कर्फ्यू इसको यशस्वी करना यह अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो इसके बाद नागपुर महानगर पालिका को लॉकडाउन के अलावा दूसरा मार्ग नहीं रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है नागपुर की जनता इस बात को समझेगी और दो दिन कल और परसों शनिचर और रविवार सभी लोग मिलकर जनता कर्फ्यू लगाएंगे। जनता कर्फ्यू में मेडिकल इमरजेंसी छोड़ के कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर ना निकले, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं और पूरा विश्वास करता हूं नागपुर की जनता इसे समर्थन देगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर में रुक के कोई बाहर ना निकल के इस जनता कर्फ्यू को सार्थक करेगी, यही आशा करता हूं। आप सभी को धन्यवाद करता हूं।